हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी, हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी। और ये टीम चलते हुए सलामी गारक दस्ते के पास से गुजरती हुई और ये टीम के सभी खिलाड़ियों ने ससम्मान हमारे मुख्य अतिथि महोदय को विट्ठल सेठ के MTPF के लिए, MTPF के लिए विट्ठल सेठ के MTF, जो कि यहाँ पर अपने टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। MTPF अंबरनाथ की टीम यहाँ पर पहुंचकर सलामी गारक दस्ते से गुजर रही है। जोरदार तालियों के साथ पूरे स्टेडियम में तालियां गूंजनी चाहिए, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन। और ये मेटल एंड स्टील फैक्ट्री पद्मा दास अपने टीम का नेतृत्व करते हुए ध्वज को ऊपर उठाकर चलती हुई और सभी टीम के खिलाड़ियों ने यहाँ पर अभिवादन किया मुख्य अतिथि का और हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय का। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्लोथिंग फैक्ट्री आउडी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री आउडी की ये टीम और डी शेखर इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। मिस्टर डी शेखर के नेतृत्व में आवली क्लोथिंग फैक्ट्री और उसके बाद ये दस्ता है ऑर्डिनेंस चंडीगढ़ की टीम, केबल फैक्ट्री चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ के ये खिलाड़ी यहाँ पर से गुजरते हुए ध्वजारोहण के उपरांत बहुत ही सुंदर सलामी का ये क्रम। शाहजहांपुर विक्रम सिंह थे चंडीगढ़ के और इन्होंने ये सलामी दी यहाँ पर सलामी कारक दस्ते के पास से गुजरते हुए। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर इसके ये खिलाड़ियों ने यहाँ पर अभिवादन किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ की टीम फैक्ट्री अंबरनाथ यहाँ पर ध्वज के पास से गुजरते हुए उन्होंने ध्वज को झुकाकर सलामी दी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत माहौल, बहुत ही सुंदर। और ये मिस्टर जयपाल थे अंबरनाथ के और ये अंबाझरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी की टीम जोरदार तालियों से स्टेडियम में दोनों तरफ से तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही सुंदर माहौल, ये अभिवादन का सिलसिला यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी की ये सभी खिलाड़ी यहाँ पर मार्च पास्ट करके अभिवादन करते हुए और अंबाझरी की टीम का नेतृत्व जो कि राजीव कुमार कर रहे थे, ये हमारे आर्मी बैंड और दर्शकों के सामने आर्मी का ये बैंड बैक पाइपर अनुशासन है कहा जाता है और बहुत ही सुंदर स्टाइल में उन्होंने धारण सलामी दी है। जोरदार तालियां पूरे क्रीड़ा संकुल में गूंजनी चाहिए, बहुत ही अच्छा माहौल। और ये सभी आर्मी बैंड जो है यहाँ पर गुजरता हुआ हेडक्वार्टर में सुबीर कुमार साना यहाँ पर टीम का नेतृत्व करते हुए और उन्होंने सलामी दी है यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की टीम यहाँ पर सलामी दस्ते के पास से गुजरेगी और आशीष पेंदान इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की ये टीम बहुत ही सुंदर परिधान में सजे सवरे ये खिलाड़ी ध्वज को झुका कर ये अभिवादन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का और उसकी ही सतर्कता के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल की टीम यहाँ पर सलामी कारक मंच के पास से गुजरती हुई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की टीम और इन खिलाड़ियों ने अभिवादन किया। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ये बडबल बुलंदगीर की श्रीमती जयंती माझी इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं फैक्ट्री कानपुर। और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर OFC की टीम अपना स्थान ग्रहण और ये ध्वज को झुकाकर खिलाड़ियों ने यहाँ पर सल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि एवं हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय का। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम की टीम और ये अंजलि डे यहाँ पर नेतृत्व कर रही हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम की टीम का और उन्होंने ध्वज को झुकाकर सलामी दी मुख्य अतिथि महोदय को। जोरदार तालियां मंच के सभी दीर्घा दर्शक में बैठे हुए दर्शकों की तरफ से आनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत माहौल। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड, जी हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड की टीम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड की टीम और यहाँ पर उनका नेतृत्व करते हुए
हमारी ये आदरणीय महिला खिलाड़ी और उन्हें ध्वज को झुकाकर यहाँ पर अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का और स्वीकार करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और उसके उपरांत ये देहरादून की टीम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, जी हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून की टीम और उन टीम के खिलाड़ियों ने अभिवादन किया यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय का और उतनी तत्परता के साथ मुख्य अतिथि महोदय ने उसे स्वीकार किया। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की टीम, ये मिस्टर मनोज विश्वास के नेतृत्व में आयुक्त निर्माणी इटारसी की ये टीम सलामी गारक मंच के पास से गुजरती हुई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये सलामी देते हुए और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, जी हाँ कटनी की टीम अपने खिलाड़ियों के साथ और जगदीश तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने इसके बाद ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा की ये टीम जो है यहाँ पर निकल रही है और उन्होंने ध्वज झुकाकर सलामी दी है मुख्य अतिथि महोदय को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा की टीम। और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की ये टीम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वहां के द्वारकानाथ जी के नेतृत्व में ये टीम यहां पर सलामी कारक मंच के पास से गुजरती हुई और ये त्रिची ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची की टीम है, शत्रुघ्न यादव इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, शत्रुघ्न यादव के नेतृत्व में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची की टीम और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव 22 खिलाड़ियों के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव और रूपेश जमदाड़े इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सलामी गारक मंच के पास से गुजरती हुई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव की ये टीम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये सभी खिलाड़ी हमारे मुख्य अतिथि एवं सम्माननीय अतिथि का को अभिवादन करते हुए और इस टीम के बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ देहरादून, जी हाँ देहरादून की खिलाड़ी और देहरादून की टीम यहाँ पर है और उसमें ये दो खिलाड़ी उसका नेतृत्व कर रहे हैं टीम का ऑर्डिनेंस पैराशूट, साथ ही साथ ये ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर, जी हाँ ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर और कानपुर के खिलाड़ियों ने यहाँ पर सलामी दी। सलामी के बाद अब राइफल फैक्ट्री इच्छापुर, जी हाँ इच्छापुर की ये टीम सलामी गारक मंच के पास से गुजरती हुई और ये ध्वज झुकाकर हमारे मुख्य अतिथि को सलामी दी है यहाँ पर और मुख्य अतिथि महोदय ने उसे स्वीकार किया। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर की ये टीम जोरदार तालियों के साथ सभी टीमों का अभिनंदन करें, राजेश कुमार सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस टीम का, कानपुर की इस टीम का स्मॉल आर्म फैक्ट्री और ये सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पर अभिवादन किया। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जी हाँ जितेंद्र रजक वाहन निर्माणी जबलपुर से जितेंद्र रजक अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने झंडा झुकाकर यहाँ पर सलामी दी। सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पर अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। और अशोक अमनेशन फैक्ट्री की हमारी मेजबान टीम जोरदार तालियां और अशोक धमाले इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये 22 टीम खिलाड़ियों से सुसज्जित ये टीम गोला बारूद निर्माणी खड़की की टीम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मार्च पास करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने ये अभिवादन स्वीकार किया और यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ मार्च पास्ट का। और उसके बाद अब बारी है हमारे मशाल प्रज्वलन की। पहले मैं क्योंकि धूप काफी तेज है मैं निवेदन करूंगा कि अपना स्थान हमारे मुख्य अतिथि महोदय ग्रहण करें। धीरे धीरे सभी टीमें अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए और अब इसके पश्चात मशाल प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा।